नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सूबे के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक इन दिनों कुमाऊं मंडल के दौरे पर हैं। अगले 3 दिनों तक मदन कौशिक कुमाऊं के जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के लिए मोटिवेट करेंगे। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठक की जा रही है। साथ ही पंचायत चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि आने वाले पंचायत चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी जीत दर्ज कर सके। लगभग पूरे कुमाऊं के दौरे पर जा रहा हूँ। मेरी पहली बैठक यहाँ के जिले के जितने निकाय हैं उनको लेकर, स्थानीय जिला स्तर का प्राधिकरण है उसको लेकर, कुछ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर, अधिकारियों को बीच में बैठकर ये सारी चीज़ें मैंने समीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, वो नगर निगम नगर पंचायतों के ईओस के साथ, तो इस प्रकार से सारी समीक्षा पूरे कुमाऊं क्षेत्र में हर जनपद में जाकर मैं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जहाँ जो समस्याएँ आ रही हैं उसका समाधान हो, सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक ठीक से पहुंचे और हमारा कार्यकर्ता और तेजी के और उत्साह के साथ काम करके आने वाले निकाय चुनाव में बहुत अच्छी हमको सफलता मिले, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। रुद्रपुर से दीपक कुकरेचा की रिपोर्ट। सैनिकों के सम्मान में बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ने वाली सूबे की सरकार एक तरफ जहां पलायन रोकने की बड़े बड़े दावे की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घनसाली विधानसभा के घनसाली में 2012 से 2013 में शुरू हुआ सैनिक आवास गृह का निर्माण कार्य पिछले 2 साल से अधर में लटका हुआ है। अब बता दें कि 4 साल से ज्यादा का समय इस कार्य को हो चुका है, पर अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर ये पूर्व सैनिकों के मन में असंतोष पैदा कर रहा है। एक तरफ घनसाली में आयोजित सहकारिता मेले में सूबे के मुख्यमंत्री ने सैनिकों के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली है, वहीं ये उदासीनता ये बताने के लिए काफी है कि सरकार विकास के नाम पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। 2013 में जो है ये जो इसका कार्य निर्माण शुरू हुआ था पेयजल निर्माण निगम इकाई के द्वारा, इसके बाद इन्होंने 2 साल तक इसमें काम किया, जिसमें जिला सैनिक कल्याण और निर्देशालय से जो हमें पैसा उपलब्ध हुआ है शासन से, वो 69.53 लाख जो है पेयजल निर्माण निगम इकाई को जो है भुगतान कर दिया गया है। और इसमें हमारे कार्यालय द्वारा पेयजल निर्माण निगम इकाई से इसकी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आपके पास जितना पैसा उपलब्ध हुआ था उसमें आपके द्वारा जो है कितना काम किया गया है। घनसाली से हर्षमणि उनियाल की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले में जहां पहले भी कई घोटाले सामने आए हैं, वहीं नगर निगम रुद्रपुर में टैक्स वसूलने को लेकर एक और घोटाला सामने आया है। आरटीआई में हुए खुलासे के बाद अब जिला प्रशासन कार्रवाई की बात करते हुए जांच की बात कर रहा है। घोटाले के लिए बदनाम उधम सिंह नगर जिले में एक और घोटाले की बू आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिले में एनएच, टीडीसी, चावल और सिडगुल जैसे बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला नगर निगम रुद्रपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर अधिकारियों की साठगांठ से नगर निगम के अधिकारियों ने निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। दरअसल निगम द्वारा होटल आदि को व्यवसायिक कर लिया जाता है, लेकिन 2 दर्जन होटलों और नर्सिंग होम में टैक्स जमा करने की राशि तो भेजी गई, लेकिन जितना राजस्व निगम के कोष में जमा होना था वो नहीं किया गया। नगर निगम द्वारा होटलों पर व्यवसायिक टैक्स लगाया जाता है, तो रुद्रपुर शहर के लगभग 2 दर्जन होटलों पर 1,21,00,000 रुपए का व्यवसायिक टैक्स बना था, व्यवसायिक कर बना था, जिनके नोटिस 2014 और 15 में जारी किए गए। उसके बाद 1,21,00,000 रुपए जमा होने की बजाय नगर निगम से मात्र 12,00,000 रुपए की रसीदें काटी गई। 12,00,000 रुपए नगर निगम में जमा किया गया, बाकी 1,10,00,000 रुपए राजस्व जो है यहाँ के कर्मचारियों की जेब में चला गया। वहीं निगम में हुए घोटाले को लेकर अब डीएम भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में मामला पहुंचा है और पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है, और जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मामला आया है टैक्स के संबंधी, उसके लिए एमएनए साहब के द्वारा बताया गया था, अभी उसमें विस्तृत जांच करवाई जा रही है, और विस्तृत जांच करवाने के बाद जो भी इसमें दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी धन की उनकी वसूली की जाएगी। रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। योग में डिप्लोमा कर चुके बेरोजगार योग प्रशिक्षुओं ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। बेरोजगार की मांग है कि सरकार ने योग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को केवल गुमराह किया है, अभी तक किसी भी प्रकार से योगा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है, सरकार केवल उनके साथ छलावा कर रही है।
गोपेश्वर से अनिल राणा की रिपोर्ट। रुड़की के एक गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पिछले लंबे समय से इस गेस्ट हाउस में देह व्यापार की सूचना पुलिस को मिल रही थी। पुलिस ने गेस्ट हाउस से 5 महिलाओं समेत कुल 10 लोगों को होटल के कमरों से धर दबोचा। होटल के कमरों में सभी लोग पुलिस को आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस को होटल से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस को देखकर होटल स्वामी भी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने होटल का रजिस्टर और अन्य कागजात भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की छापेमारी से आसपास के होटलों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक नए साल के मौके पर दिल्ली से युवतियों को रुड़की होटल में लाया गया था। तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ लोग सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व हैं। कितना लोग पकड़े गए? तो 5 जेंट्स हैं, 5 महिला हैं, और उसमें एक दो फ्रेंड वो भी हैं जिनकी सगाई हो चुकी है, तो उसके बारे में भी कुछ सर्च चल रही है। जब सही तथ्य सामने आ रहे हैं तभी कुछ कहा जाए। कौन सा गेस्ट हाउस में चल रहा था ये? अपना गेस्ट हाउस है, रोडवेज के ठीक सामने। गेस्ट हाउस मालिक को भी कुछ गंजा कैसे की पुलिस? हाँ, क्योंकि पहले भी इसके खिलाफ एक बार पहले इसी उसमें मुकदमा हो चुका है इसी संबंध में। उसमें भी ये अभी तक वांटेड चल रहा था, तो आज ही अरेस्ट हो चुका है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार भले ही हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात क्यों ना करती हो, मगर हकीकत यह है कि आज भी सूबे के सैकड़ों गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं। स्थिति यह है कि इन गांवों के ग्रामीणों को मीलों दूर पैदल चलकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखौली भरदार पट्टी के लिए वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा सुमाड़ी जाखाल मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी सीमा लेख गांव बोंडा जैसे गांव के ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हो पाई है। यहां के ग्रामीणों को आज भी 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि कई बार प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया जाता है, जिससे पीड़िता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि कभी स्थिति ये भी हो जाती है कि कई बीमार लोगों को अस्पताल ले जाते समय सड़क के अभाव में रास्ते में दम तोड़ देते हैं। कई प्रस्ताव दे दिए सर, हमने पीएम साहब आ गए, कई विधायकों को दे दिए, कई जनप्रतिनिधियों को दे दिए, आज तक किसी ने भी हमारी मांग नहीं सुनी। सब घोषणा कर रहे हैं कि आ रहे, जब हम ऐसे कार्यक्रमों में आ रहे तो कोई भी हमारी नहीं सुन रहा, हंस के बात डाल रहा। जब हम 10 लाख रुपये का, 20 लाख करोड़ रुपये का बजट आ रखा, उसमें लड़े सुखाओं का नाम क्यों नहीं आ रहा? कोई भी नाम नहीं है। हमारी महिलाएं जब गर्भवती रहती है तो रास्ते में हमारे बच्चे हो रहे, 3-4 विधवा हो गए हमारी, जब गाड़ी की सुविधा नहीं थी, जब तक हम उसको आधे रास्ते में लाते हैं वो मर जाता है, तब तक क्या करें हम ऐसी सरकार बना के। लावड़ी लड़ियासी मोटर मार्ग पर यथा शीघ्र मंगलवार के दिन मतलब है कि पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम में जा करके मार्ग का निरीक्षण करेंगे, तदुपरांत आगे की कार्रवाई सम्यक रूप से सुनवाई की जाती है। कभी ग्रामवासी भी कभी कभी विरोध करते हैं, इधर भी जैसे हमने उसी गांव के बगल में ही वो कर रहे थे, तो ग्रामवासियों का मतलब है कि ये वालों का जैसे बहुत विरोध हुआ था, उसी कारण हमने सुनवाई। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। स्वामी सच्चिदानंद राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में प्रोजेक्ट लक्ष्य के अंतर्गत जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के 3 स्थानों रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि और गुप्तकाशी में इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया। प्रोजेक्ट लक्ष्य का शुभारंभ रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी और जिलाधिकारी मंगेश घिडियाल ने किया। ऑनलाइन कोचिंग में शासकीय और अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को 2019 की मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष की होगी। हाईस्कूल में शासकीय विद्यालय में 70% से अधिक और निजी स्कूल में 85% से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कोचिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में विद्यार्थी शिक्षक से लाइव इंटरेक्शन कर सकेंगे और अपनी शंकाओं को दूर कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में स्कूलों के शीतकालीन अवकाश के समय प्रातः 10 से 1 बजे तक क्लासेस चलेंगी। शीतकालीन अवकाश के बाद कोचिंग का समय परिवर्तन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी की स्कूल टाइमिंग में बाधा उत्पन्न ना हो। मुझे बेहद खुशी है कि इस समय जिले के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन है, पूरी तरह से संजीदा है बच्चों की शिक्षा को लेकर के, और उसका आज एक बेहतरीन नमूना यहाँ पे आपके सामने है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में इसमें और बेहतरी आएगी
और हम लोगों के संयुक्त प्रयास से ये जो इसको एक मिशन के रूप में एक मिशनरी जील के साथ इस काम को अंजाम दिया जाएगा और इसमें मैं आप लोगों से भी सहयोग की उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पहले से ही प्रयास किया था कि किस प्रकार से जो देहरादून दिल्ली में जो कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बराबर अपने जनपद के बच्चों को लाया जाए, तो उस क्रम में आज ये ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर पहले शुरू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका कि हाई स्कूल में परफॉर्मेंस 70-75% से अधिक रहा है, हमने पहले चरण में उन सब बच्चों को लिया है। उन बच्चों को रुद्रप्रयाग के साथ साथ आज अगस्त्य मुनि भी हमारे साथ जुड़ा है, गुप्तकाशी भी जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने 3 स्कूल से शुरू किया है, तो देहरादून से जो भी टेलीकास्ट होगा क्लासेस का वो इन सब स्कूलों में होगा और बच्चे इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टू वे इंटरेक्शन रहेगा। तो अभी हम लोगों ने जो हमारा DDMA का इंट्रानेट है उसके माध्यम से 13 स्कूल को जोड़ दिया है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी स्कूलों को हम इन क्लासेस के माध्यम से जोड़ें। तो उसमें अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें तो अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी लेना शेष है, अभी हम लोग DDMA की कनेक्टिविटी से काम चला रहे हैं, लेकिन हंस फाउंडेशन द्वारा भी इसमें सहयोग करने की बात की गई है। फिर माननीय जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी दोनों हैं रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के, उनके द्वारा भी इसमें सहयोग की बात की गई है। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।